हेलो गाइस, वैसे तो दोस्तों आपको मार्केट पे बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं हर प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन दोस्तों आज हम कुछ अलग स्मार्टफोन लेकर के आए हैं आपके लिए और वो भी 20,000 रुपये के अंदर। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स हैं, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो चाहे वो गेमिंग हो। दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों बहुत ही अच्छा कैमरा, बैटरी बैकअप और साथ ही दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो लिस्ट है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को अभी का भी एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों इस लिस्ट को हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर 5 से, और नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M31S। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसका लुकिंग बहुत ही कमाल का बनाया गया, बहुत ही गुड लुकिंग डिवाइस है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। दोस्तों अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, काफ़ी अच्छी और बड़ी डिस्प्ले है दोस्तों। और इसके साथ ही इसके अंदर में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक में हमें 64+12+5+5 मेगापिक्सल का हमें 4 रियर कैमरा देखने को मिलते हैं, और साथ ही दोस्तों हमें 32 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी सेंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इमेज क्वालिटी की, तो आपको डे लाइट और लो लाइट में काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाएंगी स्मार्टफोन से। और दोस्तों साथ ही इसके कैमरा में आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे सैमसंग की तरफ से। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें सैमसंग का एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग में किसी भी तरह के कोई लैग और हीटिंग के इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप इसके अंदर गेमिंग करना चाहते हैं दोस्तों, आप इसके अंदर नॉर्मल गेमिंग ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, इसके अंदर हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई दोस्तों, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों इसके अंदर हमें रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, और साथ ही दोस्तों इसके बॉक्स के अंदर हमें 25 वॉट का चार्जर भी दिया गया है। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसके अंदर हमें 6GB RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है दोस्तों, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 19,499 रुपये। और दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो अगला स्मार्टफोन है दोस्तों इस लिस्ट में वो है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 16,999 रुपये। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से, और दोस्तों इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगला जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी 7 प्रो। और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही कूल डिज़ाइन बनाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके डिज़ाइन की, तो दोस्तों ये भी जो डिज़ाइन है वाटर रिपेलेंट कोटिंग के साथ में आता है, तो काफ़ी अच्छा फीचर भी दिया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों डिस्प्ले की, तो इसके अंदर में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई दोस्तों, काफ़ी अच्छी और बड़ी डिस्प्ले दोस्तों सुपर एमोलेड की, तो काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आती है, तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले दी गई दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर। और अगर हम बात करें कैमरा की दोस्तों, तो इसके अंदर हमें 64+8+2+2 मेगापिक्सल का हमें 4 कैमरे देखने को मिलते हैं इसके बैक में, और साथ ही दोस्तों 32 मेगापिक्सल का इसके अंदर हमें सेल्फी सेंसर भी दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डे लाइट में आपको बहुत ही अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। और लो लाइट की बात करें दोस्तों, तो लो लाइट में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया दोस्तों, आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग में किसी भी तरीके कोई लैग और हीटिंग के इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेसर भी स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, इसके अंदर हमें 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई दोस्तों, जो कि 65W के फास्ट चार्जर के साथ में आती है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्पीड और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी बैटरी बैकअप की तरफ से। और दोस्तों ऊपर से इसका जो फास्ट चार्जिंग है बहुत ही कमाल का है। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, तो इसके अंदर हमें 6GB RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 19,999 रुपये। और दोस्तों इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इस फोन को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों रियलमी की तरफ से। दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन है इस लिस्ट में वो है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों इस लिस्ट में,
और अगर हम बात करें डिज़ाइन की दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा कूल डिज़ाइन बनाया गया है स्मार्टफोन का। और ये जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये भी वाटर रिपेलेंट कोटिंग के साथ में आती है, तो काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिलता है दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की दोस्तों, तो इसके अंदर में 6.5 इंच की IPS LCD की डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है, इसके अंदर में HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, तो काफ़ी अच्छे कलर्स और कॉन्ट्रास्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक में हमें 64+8+5+2 मेगापिक्सल के हमें 4 रियर कैमरा देखने को मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसके अंदर में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर भी दिया गया है। और दोस्तों, इसकी जो इमेज क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, चाहे वो डे लाइट हो या लो लाइट में आपको बहुत ही अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी स्मार्टफोन से। और दोस्तों, इसी के साथ में इसके कई सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसके अंदर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, आपको मल्टीटास्किंग या फिर गेमिंग में किसी भी तरीके के लैग और हीटिंग के इशूज़ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई दोस्तों, जो कि 15W के चार्जर के साथ में आती है, तो काफ़ी अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, स्ट्रॉक एंड्राइड के साथ में इस लिस्ट के अंदर। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, इसके अंदर हमें 6GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट है दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो है 17,499 रुपये। और दोस्तों, इस फोन को भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ। अगला स्मार्टफोन दोस्तों इस लिस्ट में वो है पोको की तरफ से, पोको X2। और दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही कमाल का बनाया गया है। और ये जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये भी आपको वाटर रिपेलेंट कोटिंग के साथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके फ्रंट और बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया दोस्तों स्मार्टफोन का। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर में 6.67 इंच की IPS LCD की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और साथ ही दोस्तों, इसके अंदर भी हमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है 120Hz की रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है, तो काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में 64+8+2+2 मेगापिक्सल का हमें 4 रियर कैमरा देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, 20 मेगापिक्सल का इसके अंदर में सेल्फी सेंसर भी दिया गया है। और इसकी भी जो इमेज क्वालिटी दोस्तों, डे लाइट में आपको बहुत ही कमाल की इमेज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों, लो लाइट में आपको एवरेज इमेज देखने को ही मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा और तगड़ा परफॉर्मर है दोस्तों इस प्राइस पर। और अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग और दोस्तों गेमिंग की, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो इसके अंदर में 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है दोस्तों, जो कि 27W के चार्जर के साथ में आती है, तो काफ़ी अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसके अंदर हमें 6GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है दोस्तों, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 17,499 रुपये। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों पोको की तरफ से। और दोस्तों, अगर आप इन स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इन फोन को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं है। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।